दोस्तों दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। इतना हैवी ट्रैफिक था कि रास्ते में मेरी तो आँख ही लग गई, और थोड़ी देर के बाद आँख खुली तो मैं फिर उसी ट्रैफिक में ही थी। और फाइनली मैं पहुँच गई थी 1.5 घंटे के बाद अपने वेन्यू पर जहाँ पे इंडिया आर्ट फेस्टिवल चल रहा है। और ये रहा मेरा बूथ नंबर 75, और मेरे सारे आर्टिस्ट भी यहाँ पे धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। सभी के लिए ट्रैफिक एक इशू है, जिसको भी जहाँ से भी आना होता है उनके ज़बान पर ट्रैफिक का एक बड़ा इशू रहता है। जो भी आ रहा था वो ट्रैफिक की ही बात कर रहा था। और ये मेरा बूथ देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है, और इसमें पेंटिंग्स भी बड़ी मेहनत से बनाई गई हैं, और हर साइज़ की पेंटिंग्स हैं, हर मीडियम में बनाई गई हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और ये हमारी आर्टिस्ट जो हैं वो आ चुकी थीं, ये बातें कर रही थी अपने वर्क के बारे में और ख़ास करके ट्रैफिक के इश्यूज़ के बारे में दिल्ली की बात हो रही थी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में थीं शालिनी जी और हरमन जी और सरनजीत जी, जो कि मेरे पिछले वीडियो में भी आपने सरनजीत जी को देखा होगा। साथ ही पीछे बैक में जो काम लगे हैं वो सारे ही काम बहुत खूबसूरत थे। साथ ही आर्ट फेस्टिवल में भी आना जाना लगा हुआ था। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया आर्ट फेस्टिवल चल रहा है, जहां पे हमारा बूथ डिस्प्ले है। ये सारे साथी कलाकार हैं जो मेरे आसपास आपको नज़र आ रहे होंगे, और आज आए थे हरी सिंह जी, जो कि बहुत अच्छे वाटर कलर आर्टिस्ट हैं और गुड़गांव में रहते हैं। बेसिकली ये पंजाब से हैं लेकिन गुड़गांव में इनकी रिहाइश है। तो आज ये स्पेशली मिलने आए थे और वर्क को देखने आए थे। और उसके बाद हो गया था दोपहर और हम लोग आए थे कुछ खाने, तो बाहर थी एक कैंटीन, तो हमने सोचा कि हम पी चाय। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे आर्टिस्ट हैं और हम थे साथ में, हमने पी यहाँ चाय और बिस्किट। और उसके बाद मैं फिर आ गई अपने बूथ पे, और मेरे साथ में हैं कुछ हमारे साथी कलाकार जो कि मिलने आए थे हमारे बूथ में। तो सबसे एक एक करके मुलाकात हो रही थी। आपको बता दूं कि ये जो हॉर्स बना है ये स्टोन में बनाया गया है, जो कि स्क्रैप मटेरियल या डिस्कार्ड मटेरियल आप कह सकते हैं, इसमें बनाया गया। उसके बगल में जो पेंटिंग्स हैं जिसमें फेसेस बने हुए हैं, ये सारे जो हैं फेसेस हमारी एक आर्टिस्ट हैं उन्होंने बनाया, जो कि पंजाब से बिलोंग करती हैं। और ये अखियों के झरोके में ये इस तरह की पेंटिंग थी, ये बुद्धा के वर्क थे और लाइट का सबके ऊपर फोकस था, तो पेंटिंगों में अलग ही खूबसूरती निकल के आ रही थी। सारे अलग अलग मीडियम में काम किया गया है, पेंटिंगों के साइज़ भी सब अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही साइज़ में पेंटिंग डिस्प्ले हैं, हर पेंटिंग का साइज़ अपने आप में अलग है और सब हर पेंटिंग के पीछे एक हाइड स्टोरी है। ये है अखियों के झरोके से, जिसमें शाहजहाँ और मुमताज़ का पीछे, इस जाली के पीछे जो है उनका फ़ोटो है जो आर्टिस्ट ने बनाया है। आप देख सकते हैं ऊपर है शाहजहाँ और नीचे है मुमताज़। तो हम लोग इस पे हंस रहे थे, मजाक भी कर रहे थे कि मुमताज़ और शाहजहाँ ये खिड़की के पीछे से नज़र आ रहे थे। ये एक गेस्ट थे जिन्होंने विंडोज़ को खोला और उसके बाद वो अपने मोबाइल से ही फ़ोटो क्लिक करने लगे, और काफ़ी देर उन्होंने शाहजहाँ और मुमताज़ के बारे में बात भी की। तो बड़ा अच्छा लगता है तब दोस्तों, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एक दूसरे की व्यूज़ भी एक्सचेंज करते हैं, थॉट समझते हैं और अपने थॉट भी समझते हैं, साथ में पेंटिंग के पीछे क्या स्टोरी है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जो गेस्ट आ रहे थे तो उनसे उनके साथ में हमारे आर्टिस्ट जो हैं अपनी पेंटिंग के बिहाइंड बैक में जो स्टोरी है, क्योंकि हर आर्टिस्ट के माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तभी वो अपने कैनवस पर उसको उतारता है। ये कुछ और आर्ट वर्क हैं जिसे आप देख सकते हैं, ये भी बेइंतहा खूबसूरत हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं। और अब प्लैनेट जो है हमारा ग्रुप है जिसके अंडर ये पेंटिंग डिस्प्ले हैं दोस्तों। और आपको अगर ये पेंटिंग पसंद आए या आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप मुझे अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अभी आर्ट फेस्टिवल 5 नवंबर तक चलने वाला है। मेरा बूथ नंबर है 75 और बूथ नंबर 5 आउटसाइड पैनल्स। तो अगर आप चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं 11:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये ओपन है। और आने से पहले आप एक बार ज़रूर चेक कर लें डेट्स और टाइम, तभी आप यहाँ पे आएँ। यहाँ थोड़ा सा पार्किंग का इशू है लेकिन कोई बात नहीं है, इतना खूबसूरत काम देखने के लिए थोड़ी सी मुश्किल तो सह सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर।